राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। भाई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, भाई जनसंवाद कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर भाई किसी से फ़ोन पर बातचीत हुई नरवाणा के बलबीर से। भाई यानी कि नरवाणा के बलबीर जी ने बात करी और उन्होंने सीएम साहब से पूछा कि मैंने सीईटी क्वालिफाई हूँ, टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया है, डीवी भी हो चुकी है। इन बातों के ऊपर सीएम साहब ने क्या बातें बताई, भाई आप खुद सुने सीएम साहब की बातें कि उन्होंने उस बच्चे को क्या बोला, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो क्या करे। भावुक होकर उस बच्चे ने सीएम साहब से अरदास लगाई और सीएम साहब ने उन चीज़ों का क्या रिप्लाई दिया, आप खुद सुने सीएम साहब की बड़ी बड़ी बातें। भाई हेलो जी, मैं गांव पुराना राम राम तहसील नरवाणा से बोल रहा हूँ जी, बलबीर जी। जी सर, मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा हूँ सर। मैंने सर अनुसूचित अनुसूचित जाति से मैं बिलोंग करता हूँ सर, और सर मैंने एमए कर ली है, बीएड कर ली है सर, और मैंने बड़ी मेहनत से लगन से करके सर मैंने टीजीटी की पेपर दिया था सर, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। मुझे रोना आ रहा है सर, सच में सर, अभी भी मैं रोना आ रहा है सर। अरे सुन लो, आपने सीटी का पेपर ये दे दिया है क्या? हाँ दिया, सीटी का भी दिया जी। सीटी का पेपर तो अभी दिया है, उसके बाद कौन सा चप्पल टाउन दिया, कौन सा दिया है? नहीं जी, उसमें नहीं आया जी मेरा। दूसरा पेपर होना है ना? हाँ जी। अब दूसरा पेपर होगा तभी तो कुछ मिलेगा। नहीं सर, नहीं होगा जब तक सर, ये तो टीजीटी की भर्ती है सर, अध्यापक भर्ती 7771 सर, इसमें मेरा पेपर डीवी हो चुकी है सर, इसमें मेरी ये तो फिर डीवी हो गई, तो इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया अभी? नहीं सर, आया नहीं अभी तक, रिजल्ट नहीं आया सर। डीवी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है सर। रिजल्ट में कोई समस्या होगी ना? कोई रोकते हैं कोर्ट के, समस्या का पता करो क्या है। हाँ जी, जो समस्या है उस समस्या का पता करो, वो तो कोर्ट में है जी। लेकिन क्या हल जब तक नहीं होगी, अब तो कोर्ट में है तो फिर कोर्ट में हम क्या करेंगे, उस कोर्ट में कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर। उस प्रकार से भावुक होकर के चलोगे कुछ नहीं बढ़ता। हम भले पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने घर के गुजारे के लिए, काम करने के लिए अगर आदमी हिम्मत करके सब कर सकता है। मेरे जैसे आदमी ने भी सब्जी बेची है साइकिल पर जा करके सर। मैंने भी लिख करके हम काम नहीं कर सकते छोटा मोटा क्या जी? अरे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई हम छोटा मोटा काम अपने घर के लिए तो कर ही सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा सर, बेरोजगार आदमी मिल रहा जी। अरे बेरोजगार भी आदमी, मैं भी उस समय बेरोजगार था जब साइकिल पर सब्जी लेके जाता था, मंडी बेच के आता था सर। पर इतना पढ़ लिखने के बाद अगर यही करना पड़ेगा क्या सर? फिर तो सर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी सर? काम जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई लिखाई होने के बाद ये मतलब नहीं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। इस प्रकार से भावुक होकर के बात करेंगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी है। नौकरी तो के हिसाब से मिलेगी, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कलम चला दूं नौकरी दूं आपको। सर जैसे थोड़ा सा आप तो समझदार आदमी हो, पढ़ लिख गए हो, पढ़े लिखे होने के बाद अगर अपने सिस्टम को आप चला नहीं सकते हो तो पढ़ाई का क्या फायदा? हर आदमी पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी की गारंटी थोड़ी होगी किसी की? नहीं सर, मेरा आपसे ये निवेदन है टीसी की भर्ती कब पूरी होगी सर? ये अध्यापक भर्ती 7771 सर। भाई कोर्ट से जो निर्णय होगा तब होगी, उससे पहले नहीं। अच्छा, तो आपने सुना होगा भाई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब ने बोला कि भाई मैंने भी सब्जी बेची है, तो यहाँ पर आप भी सब्जी बेचने लग जाओ भाई। जब तक आप लोग कहीं पर कोई नौकरी के ऊपर ज्वाइनिंग नहीं होती भाई, तब तक आप लोग भी सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर ले। तो सीएम साहब की ये बात है, कोर्ट के अंदर एचएसएससी नहीं चाहती कि भी भर्तियां जल्द हो, क्योंकि कोर्ट के ऊपर भी तो दबाव एचएसएससी डाले तभी तो जाकर कोई सटे हटेगा। एचएसएससी डालते नहीं, डेट पे डेट मिलनी जा रही है लेकिन एचएसएससी अपना काम नहीं करे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोल रहे हैं कि भाई सब्जियां बेचो, काम चलाओ अपना, क्या करें भाई, पढ़ लिख कर भी अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती कहीं पर भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, बच्चों को रोना आ गया और क्या करेंगे भाई। यहाँ तक कि एमए जेबीटी बीएड हर चीज़ की हुई है बंदे ने, फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, कोर्ट के अंदर एक भर्तियाँ नहीं निपट रही सरकार से, तो और बच्चे क्या करें भाई। आप लोगों ने खुद सुना होगा सीएम साहब ने क्या बोला है यहाँ पर भाई, आप
फिर भी इस सरकार को वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं प्यारे साथियों कि आप लोगों के साथ पिछले 4 साल से कितनी दुर्दशा की हुई है हरियाणा सरकार के अंदर भाई, यानी कि अब आप लोगों के पास टाइम है, आप वाद उठाओ तो आप लोगों का सब कुछ हो सकता है। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें भाई, आप लोगों को सबसे पहले अपडेट देना हमारा काम है। थैंक यू दोस्तों।